हाँ जी जैन, एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स जितने लोग फॉर्म भरे हैं एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के, बहुत ही आप मेहनत करके फॉर्म को भरे हैं, तो उसके लिए आपके मेहनत के लिए धन्यवाद। काफ़ी लोग फॉर्म को नहीं फिल कर पाए, अब उनके लिए अब क्या ही कहा जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि इनके सिलेबस के बारे में। एयरफोर्स का में दो ग्रुप होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो एक्स ग्रुप में क्या क्या आता है और वाई ग्रुप में क्या क्या आता है। एक्स ग्रुप में क्या है कि आपके मैथ आता है, फिजिक्स आता है और आपका एक इंग्लिश आता है, तीन सब्जेक्ट आते हैं। और वाई ग्रुप में देखा जाए तो आपका इंग्लिश आता है और रागा आता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले किसके इंग्लिश के बारे में, जो कि कॉमन है एक्स ग्रुप के लिए वाई ग्रुप के लिए। तो मैं आपके लिए, देखिए आपको यह पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, मैं सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूँ। आज आप डेट देख लीजिए, आज आपका डेट कितना है, 6 जुलाई है। यह देखिए टाइम हो रहा है आपका, और अभी को मैं देखिए 12:52 पर मैं पीडीएफ को भेज दिया। इंग्लिश का मॉडल पेपर है, मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर, मैथमेटिक्स का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस मॉडल पेपर, रागा का सिलेबस, रागा का पूरा मैं सेंड कर दिया हूँ। तो आप आ करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से होगा, ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर आइएगा या तो गूगल पर जाइएगा, बोल दीजिएगा नेशनल कोबरा कैडेट टेलीग्राम चैनल तो ओपन हो जाएगा, या तो आप आके टाइप करके सर्च करके यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तो मैं इंटरनेट को कनेक्ट नहीं किया हूँ। और अब चलते हैं इंग्लिश सिलेबस को जानते हैं। इंग्लिश सिलेबस आपका कॉमन है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में, दोनों में इंग्लिश आपका कॉमन होता है। कितने मार्क्स का आता है इसका ये बात कर लेते हैं। इसमें आपका 20 मार्क्स का आता है इंग्लिश। तो अब देखिए सिलेबस इंग्लिश का क्या है, फॉर अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। टॉपिक प्रपोज फॉर न्यू पोर्टल, जो नया नया अभी बना हुआ है तो क्या क्या है, वही आपका सेम ही है। अब इसमें क्या आता है, शॉर्ट पैसेज आता है, एक कम्प्रिहेंशन वाला आता है जिसमें कि यह आपका जज किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग ड्रॉइंग इन्फ्रेंस और अंडरस्टैंडिंग वोकेबुलरी को जज किया जाता है। ग्रामर में आप अपना देख लीजिए जल्दी जल्दी क्या क्या आता है, यह सब चीज़ें आती हैं। देखिए आप यहाँ पर एक मैं आपको मोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, आप टेलीग्राम से आकर के देख लीजिए वो क्या आता है, एंटोनिम सिनोनिम वर्ड वर्ड स्पेलिंग वर्ड ऑफन कंफ्यूजिंग ये सब आते हैं। नरेशन आता है, नरेशन के बाद वॉइस आता है, वॉइस के बाद जंबल सेंटेंस आता है। तो यह आपका इतना हो गया क्या इंग्लिश का सिलेबस, और कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसको क्लोज करने के बाद मैं चलता हूँ इंग्लिश के आपके जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश का जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में आपका क्या हो गया कि रीड द पैसेज, जो कम्प्रिहेंशन बताया था, चार क्वेश्चन आते हैं, चार क्वेश्चन का देखिए यह हो गया कम्प्रिहेंशन। और एक इसमें आता है आपका देखिए स्पेलिंग एरर से आ गया ये क्वेश्चन। अब आप इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा देख लीजिए इंग्लिश में किस टाइप का आता है। तो ये लेवल है कुछ इस तरीके का, आप एक बार इसे ट्राई कर लीजिएगा। ऐसा ही इससे थोड़ा इससे ऊपर ही आता है, अभी नीचे आ जाइए, ऐसा आता है। आपको इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना होता है। देखिए आपका आंसर यहाँ पर दिया है, आप यहाँ से जान सकते हैं, यहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे आपकी तैयारी आपको खुद ही पता होगा आप कितना तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नरेशन का है, वॉइस का है, एक्टिव पैसिव भी आता है, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। तो अब इसमें मैं इतना ही रहने देता हूँ। अब देखिए इंग्लिश के बाद मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स का एक बार सिलेबस आपको शो कर दे रहा हूँ। सेट रिलेशन फंक्शन होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, इनवर्स होगा, तो ये सब आपकी क्या है कि सिलेबस है मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स को सिलेबस को मैं क्लोज करता हूँ। अब आता हूँ मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर यहाँ पर, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आप एक बार देख लीजिए। ऐसा ऐसा आपका कुछ क्वेश्चन आता है। तो यह आप आकर के एक्स ग्रुप के लिए है मैथमेटिक्स, यह वाला जो क्वेश्चन पेपर है ऐसा एक्स ग्रुप में आएगा, ना कि वाई ग्रुप में आएगा। ठीक है, आपका इंग्लिश कॉमन हो गया, मैथमेटिक्स एक्स ग्रुप के लिए हो गया। अब आते हैं मैथमेटिक्स, अब फिजिक्स पर आ जाते हैं। एक्स ग्रुप का इधर मैं ख़त्म कर देता हूँ। देखिए फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, यस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ बल, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यह सारे आपका सिलेबस है। अब इसको भी मैं जल्दी से क्लोज करके अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ। फिजिक्स का क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर पे देख लेता हूँ। मॉडल टेस्ट पेपर आप एक बार खुद अपने आंखों से देख लीजिए क्वेश्चन को।
व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। ये तो 180 डिग्री, ये थोड़ा सा आसान इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन तो जब पेपर में आएगा तो एयरफोर्स का पेपर में क्या होता है कि आपको कम समय मिलता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत कम समय मिलेगा। अब हम आ जाते हैं वाई ग्रुप पे। वाई ग्रुप का क्या है, ये रागा का सेक्शन है। अब इसमें क्या होता है आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप एक्स वाई बोथ से रहेंगे तो आपको ये रागा का 30 नंबर का मिलेगा। यह 30 नंबर का आपको पेपर आता है, रागा का 30 क्वेश्चन रहता है। उसके अंतर्गत क्या रहता है, रीजनिंग रहता है, वर्बल और नॉन वर्बल रहता है, फिर उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन रहता है, फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर सेक्शन रहता है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसका, रीजनिंग वर्बल का बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका नंबर सीरीज हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। इसमें क्या होगा आपको, वही गुणा भाग यही सब रहेगा, नंबर रैंकिंग टाइम सिक्वेंस टेस्ट हो गया आपका, असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू वही हो गया कि आपको हैश दे दिया, स्टार दे दिया, फिर बोलेगा कि इसको जोड़, इसको आप माइनस को चेंज करके बताइए। आप समझ गए होंगे कैसा क्वेश्चन आता है इसमें मैथमेटिकल आर्टिफिशियल वैल्यूज़ में। फिर करेक्ट मैथमेटिकल साइन वाला हो गया, वही उसी टाइप में अभी आ जाता है ह्यूमन रिलेशन, ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग ऑड, म्यूचुअल रिलेशनशिप, या डिक्शनरी एनालॉगी, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, नंबर कोडिंग, नंबर पजल, ये सारी है मैथमेटिक्स में आ जाइए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम, एससीए, प्रॉफिट लॉस, तो ये सारे आपके यहाँ पर हैं, इसको देख लीजिए। फिर हम आते हैं जनरल नॉलेज में, थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ। जनरल साइंस में आ गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट इवेंट्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, बेसिक ऑफ कंप्यूटर से ठीक ठाक क्वेश्चन आता है, उस लेवल का नहीं आता है, बहुत टफ नहीं आता है। अब देखा जाए कैसा आपकी बार आता है। और इसमें कभी मैं सैंपल पेपर पे आऊँगा तो एक चीज़ और आपको मैं उसमें बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखिए जनरल साइंस में जो है ना आपका, तो इसमें एक चीज़ ऐसा पूछता है, अब इसमें जैसे कि आपका पूछ देगा करेंसी, कैपिटल, सीएम, गवर्नर, ऐसी सारी चीज़ें पूछता है इसमें। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, आपको पेपर को दिखा देता हूँ, इसका रीजनिंग का पेपर आपका कैसा आता है। देखिए विच टाइप ऑफ वेव इज यूज इन रडार, देखिए इसमें आपका बहुत ही मतलब कि ऐसा है क्वेश्चन, फिजिक्स से है या जनरल साइंस का आपका आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर रेडियो वेव यूज होता है। और ये देखिए, अब जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी तेग बहादुर को। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये कहाँ से सेलेक्ट हो गया, इसको भैया डिसलेक्ट हो जा, चलो ठीक है। तो अब ये विच गवर्नमेंट कंट्रोल LIC हो गया, लैंड ऑफ फिनलैंड हो गया, तो ऐसा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए डांस वाला मैं बता दे रहा हूँ, ये डांस से भी आता है कि किस स्टेट का कौन सा क्लासिकल डांस है। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स से आता है कि खो खो में कितने रहते हैं प्लेयर 9, कबड्डी में कितने रहते हैं आपके 7, वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9, रग्बी में आपके कितने 15, आइस हॉकी में 19, तो ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ये मैथमेटिक्स का आपका हो गया, ये स्पीड डिस्टेंस वाला हो गया, यहाँ पर एवरेज का हो गया, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए रीजनिंग में तो नॉर्मल सा है, ये NCERT का लोगो लग रहा है, ये केंद्रीय विद्यालय का, ये CBSE का, और ये क्या है नारो, और ये नेवी का लोगो है, और ये ऐसे इसमें से और बताना है तो डी वाला ऑड इस टाइप का है, थोड़ा कठिन भी आएगा इससे, तो कठिन आएगा। अब आगे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यह वाला जो आपका था 1 2 3 4 5 ऐसा क्वेश्चन आते हैं और दिमाग को पूरा एकदम हिला के रख देते हैं। जैसे यह वाला तो आसान सा लग रहा है ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप देख करके बोल दोगे चलो छोड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अब इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ इतना ही रखूँ, बाकी आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपसे यही है कि चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस पर अपलोड करूँगा, और यहाँ पर जितना भी ये सारी लिंक आ रही हैं इसको आप जल्दी पूरा देखते जाइएगा। और यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर क्या, नेवी का आपका देखिए, नेवी का मैं अब वीडियो टाइम टाइम पर अपलोड कर रहा हूँ, आप
चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप कोई भी अपडेट नहीं मिस कर सकते हैं, खास करके वैसे रीजन के लोग जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं रहता है। ये चैनल ऑथेंटिक है, मैं आपको वही इंफॉर्मेशन देता हूँ जो कि एक्यूरेट रहता है, तो यहाँ पर आपका टाइम नहीं बर्बाद होगा। और अगर आप कहीं से हैं तो आपको मैं अपडेट देते रहूँगा, आप टेलीग्राम से मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद जय भारत।